अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। आपने मुझे सही समय पर उठाया, भगवान आपको भी। मेरा आप जाने का कहीं मन नहीं है। स्वागत है। वैसे एक बात है, मैं ये सोच रहा था कि लाखों करोड़ों वर्ष के विकास क्रम में मनुष्य की बहुत सारी प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो मूल स्वभाव है ना, वो नहीं बदला है आदि मानव का। जैसे करना हो, ये आदि स्वभाव है आदि मानव का। इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ शैलेश जी, आपको प्रणाम करता हूँ नवल जी, पवन जी, यहाँ पर बहुत हमारे जघन्य मित्र डॉक्टर राम बैठे हुए हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारे परिचित चेहरे हैं, सबके नाम लूंगा तो समय ऐसे ही निकल जाएगा। राजेश जी ने पहले ही समय की सीमा बांध दी है, और क्योंकि मुझे निर्देश हुआ है कि माँ हिंदी की वंदना मुझे करनी है। जब हिंदी की बात चलती है तो मैंने कभी कहा कि रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी। आपके सबको, आप सभी को प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं। अभी मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यहाँ सभागार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, हिंदी सेवी बैठे हुए हैं, उनके हार्डवेयर चाहे स्वदेशी हो या विदेशी हो, लेकिन सॉफ्टवेयर हिंदी का ही लगा हुआ है। वाह वाह। तो इसलिए सबको प्रणाम करता हूं और मां हिंदी की वंदना आपके समक्ष करता हूं। मेरा साथ दीजिएगा। रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, और वही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरबाई, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। हाथ खोल कर बैठेगा, मैं हिंदी माँ की वंदना आरंभ करता हूँ। कि अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मात महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा, मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवली ज्योति ज्ञान की जीवन रत्न बनाती है, गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जलाती है, चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दर्श कराती है। हिंदी दुर्गा, हिंदी काली, सरस्वती कल्याणी है, हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है, हिंदी लक्ष्मी पार्वती, हिंदी काम कल्याणी है, शब्द ब्रह्म की अंतम पुत्री और अनूठी वाणी है जी, शब्द ब्रह्म की अंतम पुत्री और अनूठी वाणी है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। भाषाओं की नदियां मिलती, हिंदी ऐसा सागर है, भाषाओं की नदियां मिलती, हिंदी ऐसा सागर है, छलक रही अमृत घट समझो, हिंदी ऐसी गागर है, भारत की रग रग में बहता हिंदी प्रेम सुधाकर है, गली गांव और नगर नगर में हिंदी ज्ञान प्रभाकर है, हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नित नई नवेली है, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अनभेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अनभेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ, मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे, हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी सूर कबीरा सबने हिंदी का आह्वान किया, वल्लभ विट्ठल और जैसी हिंदी का गुणगान किया, तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया, नानक और रैदास मलूका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है, प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी भाती है, ये
लिए केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है। बच्चन पंत निराला दिन कर जिसकी महिमा गाई है। शुक्रवेदी आभूषण ने भी हिंदी अपनाई है। चंद्र वरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है। नारायण मिलनागर ने हिंदी कथा सुनाई है। जय शंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं। स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं। देवराज त्यागी ने पाली और व्यास भी कहते हैं। हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी। हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं। तो हिंदी गौरव की सुगंध जग में फैलाओ रे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। अंग्रेजो तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था। अंग्रेजो तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था। खून के बदले आजादी यह नेताजी का नारा था। आजादी का हर परवाना हिंदी में हुंकारा था। जय जवान और जय किसान भी हिंदी का ही नारा था। हिंदी ही तो आजादी के संघर्षों की शक्ति रही। अशफाक उल्लाह और बिस्मिल के स्वाभिमान की शक्ति रही। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और शेखर की भक्ति रही। हिंदी ही तो क्रांति की भाषा और पौरुष व्यक्ति रही। तो हिंदी तुझे पताका हिंदी की जग पे फहराओ रे। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ। अंत में बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करे। हिंदी मन की भाषा हिंदी जन जन की अभिलाषा हो। नई सदी नवयुग में हिंदी नव चेतन की आशा हो। कोटि कोटि जन प्रेम करे अब ऐसी कुछ परिभाषा हो। हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो। हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करे। साधक बन ऋषियों मुनियों के सपनों को साकार करे। और पतित न हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरे। अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करे। अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करे। तो भारतवासी मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे। मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को। और समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए और आप मेरा एक निवेदन है। हमारे मित्र बहुत नौजवान बहुत अच्छे हैं। आप दांत तो दे रहे हो साथ में खाद भी दे रहे हो तो दांत ही तो खाद मत दो साथ में। ठीक है ना। पूरे सभागार को सर पे उठा रखा है उन्होंने। कोई बात नहीं अच्छी बात है। हाँ जहाँ मतलब समझ में आए तो ठीक है। नहीं भी समझ आए तो ताली वाली बजानी चाहिए। लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है राजेश जी ने कही। ऐसा लग रहा है कि जेएनयू और डीयू इकट्ठे मिल गए हैं। राजेश जी अभी आपको भी पढ़ना है ध्यान रखना। हाँ मतलब आप जो है गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो बच्चों को। बच्चे ठीक है ऊर्जा बनाए रखिएगा। अभी एक छोटा सा गीत और पढ़ देता हूँ। हाँ, एक विषय है कि हंसराज कॉलेज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। संयोग से ये रहा मेरा दुर्भाग्य भी कहूंगा कि मुझे संयोजन संचालन समिति में रखा गया था मेरा नाम। लेकिन मैं समय नहीं दे पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ रमा जी से। और लेकिन मेरा मन हमेशा हंसराज कॉलेज के साथ 20-25 वर्षों से रहा है और हमेशा रहेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। और एक छोटा सा गीत इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं परसों दुबई में था प्रवासी सम्मेलन। आजकल क्योंकि भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रवासी सम्मेलन आरंभ हो चुके हैं। और कहीं विश्व हिंदी सम्मेलन का भी कार्यक्रम था कॉन्सुलेट में जो दूतावास है वहां पर। तो वहां से मैं ताजा ताजा अभी वहां की भावनाएं लेकर आपके बीच में आया। तो एक गीत मैं छोटा सा पढ़ना चाहता हूँ प्रवासी भारतीयों के लिए। जो 3 करोड़ से अभी मुझे जानकारी मिली 3 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा भारतवंशी या अलग अलग मैं तो MRI कहने लगाऊं सर। यहाँ अनु भार्गव जी बैठे हुए हैं। MRI आप सोचेंगे MRI का क्या NRI तो कहा जाता है MRI। मैंने कहा मोस्ट रिलायबल इंडियंस। तो
मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उनके दिलों में जो हिंदुस्तान धड़कते देखते हैं तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो उनको समर्पित एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं और कहना चाहता हूं कि जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है, बसाले घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है, अपना वतन अपना ही होता है, और भले हो दूर या कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादे वतन में कोई जज्बा खास रहता है, और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती है, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, उस एहसास को गाना चाहता हूं आपके बीच में, और इसमें मैं चाहूंगा कि आपका भी स्वर सम्मिलित होगा, आपके होठ भी मेरे कहीं ना कहीं गीतों को कहीं गुनगुनाएंगे गीत को, तो मुझे अच्छा लगेगा कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, अगली पंक्ति पे आपके हाथ खुल जाए, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में आन तो जिंदा है, इस वतन की खातिर जीने का, भारत की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में आन तो जिंदा है, भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है, तन भले प्रवासी हो जाए मन को भारत की थाती है, दामन में हो खुशियां लाखों अपनों की आस सताती है, बचपन की मधुर यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, और अंतिम अंतरा पढ़ता हूं इसका, कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया, मैं सेकुलरिज्म की बात की जाती है, धर्म पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है, अयम निज है परोवेति गणना लघु चेत सांप उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, इससे बड़ी कोई धर्म निरपेक्षता दुनिया में नहीं हो सकती है, सेकुलरिज्म कुछ नहीं हो सकता है, कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया, हम बने प्रवासी रहे जहां उस कर्म भूमि को मान दिया, सारी वसुधा है घर सबसे पहले ये ज्ञान दिया, शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिन मान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में स्थान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, वंदे मातरम वंदे मातरम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा गजेंद्र स्वामी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।